दे एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। एडीजी दिनेश एमएन करेंगे एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का नेतृत्व। टास्क फोर्स में एक एडीजे, एक आईजी और डीआईजी और एक एसपी शामिल होंगे। 4 एएसपी, 8 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर एसआई भी शामिल होंगे। 10 एएसआई, हेड कांस्टेबल और 15 कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर भी टीम में रहने वाले हैं। टीम को लेकर के डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी जानकारी एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सीएम भजनलाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पहली बड़ी बात उन्होंने यही कही थी, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन होगा और उसके लिए अब देखिए एक एसपी, 4 एएसपी, 8 डीएसपी भी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, हमने सीएम भजनलाल शर्मा को सुना था जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तभी उन्होंने कहा था कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और उसको लेकर के अब आदेश भी जारी कर दिए गए। विष्णु आवाज पहुंच रही है आपको? तो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 इंस्पेक्टर एसआई टीम में मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, आईएफएस राजेश कुमार गुप्ता एपीओ सचिव मुख्यमंत्री पद से एपीओ किया गया। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। नई सरकार में किया जाएगा अन्य आईएफएस को पदस्थापित। तो देखिए पुरानी सरकार के 4 आईएएस एपीओ किए गए थे। ये बड़ी जानकारी, आईएफएस राजेश कुमार गुप्ता को एपीओ किया गया है, ये बड़ी अपडेट है। पुरानी सरकार के 4 आईएएस एपीओ किए गए थे। तो कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, नई सरकार में अन्य आईएफएस को पदस्थापित किया जाएगा। तो सचिव मुख्यमंत्री पद से एपीओ किया गया, ये बड़ी जानकारी। तो कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं, आईएफएस राजेश कुमार गुप्ता एपीओ किए गए हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पेपर लीक पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग ने डीजीपी को दिए गठन के आदेश। आपको बताएं कि अति महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन यहां पर किया जाएगा और टीम हर मामले की गहनता से जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम हो सके। संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स बनेगी। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये टास्क फोर्स बनेगी। फोर्स का गठन अति महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भजनलाल ने कल ऐलान किया था। तो पेपर लीक पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। टीम हर मामले की गहनता से जांच करेगी, इसके लिए एसआईटी का भी गठन और भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम हो सके, इसको लेकर के अब सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो पेपर लीक पर राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भजनलाल ने बड़ा ऐलान किया था। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव बड़ा किया गया है और सरकार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप राका सहित 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ बड़े एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार को ही भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था और शनिवार को पिछली सरकार में सीएमओ के अफसर एपीओ किए गए हैं, जिनमें आईएएस कुलदीप रांका का नाम शामिल है। कुलदीप पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। वहीं इसके अलावा सीएम सचिव गौरव गोयल और आरती डोगरा को भी एपीओ किया गया। पिछली सरकार में विशिष्ट सचिव रहे राजन विशाल को भी एपीओ किया गया।
ऐसे में पिछली सरकार में सीएमओ रहे चार अफसरों का एपीओ किया गया है। साथ ही पुराने अफसरों को एपीओ करने के कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। आरएएस योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी नियुक्त किया गया। तो पोखरण विधायक मान प्रतापपुरी महाराज पिछले कई दिनों से देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जैसलमेर के नामी मठ ख्याला मठ म्याजलार पहुंचकर गुरु गोरखनाथ महाराज से आतिथ्य में मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मठाधीश गोरखनाथ ने पोखरण विधायक का मुंह मीठा करवा करके ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संतों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई।